स्वागत है इसी के साथ आपका हमारे फिटनेस ट्यूटोरियल में। मैं सुप्रभा और आप लोग देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस बाय प्रिया। तो स्टार्ट करने से पहले हम बता देते हैं, अगर आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज भी हम आपको ड्रिल चैप्टर से ही एमसीक्यू क्वेश्चन बताएंगे, जो उस दिन नहीं बता पाए थे, रह गए थे, वो उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। वो ये भी इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप इससे पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, CTI कर रहे हैं, जो लोग फिट एंड ट्रेड से रिलेटेड है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप ही के लिए लेके आए हो। और हाँ, इसमें से 99% क्वेश्चन तो जरूर फंसेंगे, तो अगर आप स्किप कर दोगे तो कैसे पता चलेगा है इंपॉर्टेंट क्या नहीं। तो उसके लिए बनता है ना, एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिएगा और देखिएगा जरूर लास्ट तक, स्किप मत करिएगा। और हाँ, बता देते हैं कि जो हम आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ लेके आए हैं, ये वो अच्छी न्यूज़ ये है कि जो हमारी क्लासेस हैं वो लाइव क्लासेस होने वाली है 1 सितंबर को। और अगर आप चाह रहे हो कि मैं भी लाइव क्लास करूँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो और जो अभी तक जो लाइव क्लासेस होने वाली है उसका स्क्रीन पे सारा डेटा है, देख लीजिए कि कब कौन सी क्लासेस होगी, किसका क्या टाइमिंग है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि लाइव क्लासेस में करूँ या नहीं। तो अगर आप लोग बोलोगे तभी करूँगी, ऐसे नहीं करूँगी, पता चले मेहनत कर लूँगा और आप लोग आओ भी ना, गलत बात है ना। तो अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन वो ये है, साधारण कार्यों के लिए ट्विस्ट ड्रिल का लिप क्लीयरेंस एंगल होना चाहिए। कटिंग फ्लूइड सुटेबल फॉर ड्रिलिंग ऑन माइल्ड स्टील प्लेट इज, इसमें ये बताया गया जो लिप क्लीयरेंस एंगल होता है वो कितना होता है, मतलब ये बताना है कि हाँ जो वो कितना कितना होता है, कैसे क्या होता है। तो जो हमारा ऑप्शन है ये है 3 to 5 degree होता है, 4 to 8 degree होता है, 8 to 12 degree होता है, या 12 to 15 degree होता है। तो जो हमारा सही आंसर है वो 8 से 12 degree का होता है। और लिप मतलब जो क्लीयरेंस एंगल क्या होता है, जो जो लिप एंगल के पीछे छुपा होता है वही क्लीयरेंस एंगल होता है, और ये 8 से 12 degree तक टेपर होता है। तो चलिए भूल गए टिक लगाना, तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संपूर्ण चक्कर में ड्रिल जॉब के अंदर जितनी दूरी तक आगे बढ़ता है, बढ़ जाता है, उसे कहते हैं, जो मतलब ड्रिल संपूर्ण चक्कर होता है, जो ड्रिल होता है वो एक चक्कर, एक मतलब जितना भी वो चक्कर लगाता है और आगे बढ़ता है घूमते हुए, तो उसको क्या कहते हैं। हमारे ऑप्शन है चक्कर प्रति मिनट, कटिंग स्पीड, फीट, मशीनिंग स्पीड। तो जो हमारा सही आंसर है वो फीट, मतलब कि कहते नहीं है कि हाँ मैंने इतनी फीट दी। तो जो जो हम लोग एक वो जो चक्कर लगाता है उसको क्या बोलते हैं, फीट बोलते हैं, मतलब इतना दिया। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ड्रिल में क्लीयरेंस एंगल बढ़ा देते हैं, जो ड्रिल है उसका क्लीयरेंस एंगल बढ़ा देते हैं, तो क्या परिमाण होगा। इफ द ड्रिलिंग इंक्रीज द क्लीयरेंस एंगल देन व्हाट विल बी द रिजल्ट, मतलब तो उसकी जब बढ़ा देंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा। हमारा ऑप्शन है खराब वेजिंग एक्शन होगा, मतलब खराब वेजिंग एक्शन होगा, कमजोर कटिंग एज होगा, होल की रफ सरफेस होगी, बढ़ा हुआ पॉइंट एंगल होगा। तो इसमें से आपको बताना है कि जो ये जो मतलब है तो वो क्या होगा, मतलब अगर बढ़ा देंगे तो उसका क्या डिफॉल्ट पड़ेगा, तो कमजोर कटिंग एज हो जाएंगे, जो उसका एज है वो कम, मतलब कमजोर कटिंग करने लगती है, इस वजह से वो खराब हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस छिद्र के अंत में सॉकेट स्क्रू शेष लगाने के लिए उसे बड़ा करने की सक्रिया को क्या कहा जाता है। वॉट इज द ऑपरेशन टू एनलार्ज द सॉकेट स्क्रू हेड एट द एंड ऑफ दिस होल। तो जो हमारे ऑप्शन वो है, काउंटर बोरिंग कहते हैं, रिमिंग कहते हैं, सॉफ्ट फेसिंग कहते हैं, इनमें से कुछ नहीं कहते, मतलब इसको काउंटर बोरिंग कहते हैं, रिमिंग कहते हैं, क्या कहते हैं। तो जो हमारा सही आंसर है वो है काउंटर बोरिंग। तो इसी के साथ शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर पर आधारित ड्रिलों की कुल संख्या निम्न प्रकार होती है। जो नंबर वाइज ड्रिल होती है तो वो कितनी होती है। द टोटल नंबर ऑफ ड्रिल्स बेस्ड ऑन नंबर इज एज फॉलोज। तो हमारे ऑप्शन है 50, 60, 70 या 80। तो कितनी होती है, तो हमारा जो सही आंसर है वो 80 होती है।
एक से नंबर ड्रिल्स कितनी होती, एक से 80 तक होती, और एक मतलब एक का जो होता है इंच में होता है 0.228 और एमएम में होता है 5.78 और जो 80 है उसका होता है 0.0135 से 0.35 मतलब इंच में होता है 0.0135 और एमएम में होता है 0.35। ये होता है इसका नंबर का, इंच और एमएम में मैंने आपको बता दिया पहले का और लास्ट का मैंने बताया और आगे का आप देख लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक थ्रेड बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले ऑपरेशन को, ऑपरेशन यूज टू फ्रॉम इंटरनल थ्रेड इज नोन एज, हमारे ऑप्शन है ड्रिलिंग, रिमिंग, बोरिंग, टैपिंग, मतलब क्या हो सकता है बताइए। ड्रिलिंग हो सकता है, रिमिंग हो सकता है, बोरिंग हो सकता है, टैपिंग हो सकता है। आंतरिक बोला है ना तू, टैपिंग होगा, अंदर तो टैपिंग नहीं की जाती है ना। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में दिखाए गए कटिंग टूल का नाम है, जो ये जो फिगर दिखाया जा रहा है आपको, ये फिगर, इस फिगर का क्या नाम है आपको बताना है। तो द कटिंग टूल शो इन द पिक्चर इज नेम्ड, तो हमारे ऑप्शन है काउंटर सिंक टूल, सॉफ्ट फेसिंग टूल, काउंटर बोर टूल या ड्रिलिंग टूल। तो ये जो दिखाया जा रहा है ये तो ड्रिल तो जैसा दिख नहीं रहा एकदम नहीं ना, तो क्या हो सकता है, काउंटर सिंकिंग हो सकता है, सॉफ्ट फेसिंग टूल हो सकता है, फेसिंग टूल तो दूसरी तरह का होता है वो भी नहीं हो सकता है, तो क्या हो सकता है, ये काउंटर बोर टूल है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन ड्रिल साइज के नितरण विधि है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ डिटरमाइन ड्रिल साइज, हमारे जो मतलब कौन सा ज्यादा यूज किया जाता है या कौन सा ड्रिल है के साइज। तो जो हमारे ऑप्शन वो है एमएम साइज के ड्रिल होते हैं, मतलब एमएम साइज के ड्रिल होते हैं, इंच नंबर साइज के ड्रिल होते हैं, लेटर साइज के ड्रिल होते हैं, ये सभी मतलब किस टाइप के ड्रिल होते हैं, तो मतलब कैसे क्या हो सकता है सोचिए, ये सभी होते हैं, एमएम साइज के भी ड्रिल होते हैं, नंबर साइज के भी आते हैं ए से जेड तक, और लेटर साइज तो मैंने अभी आपको बताया था 1 to 8 मतलब 1 से 80 तक। तो हमारा जो सही आंसर होगा ये सभी होगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है काटने की गति आमतौर पर, कटिंग स्पीड इज जनरली, तो हमारे ऑप्शन है मीटर होता है, मीटर मिनट में होता है या मिनट में होता है, इनमें से कोई नहीं। कहने का मतलब ये है तो जो जब कटिंग की जाती है तो उसमें उसको कैसे फिट किया जाता है, मतलब मीटर मिनट या मीटर में होता है, उसका फॉर्मूला कैसे होता है सोचिए कैसे हो सकता है। तो जो हमारा सही आंसर है वो है मीटर और मिनट में, मीटर और मिनट में होता है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयुक्त ड्रिल के आधे व्यास के बराबर है, इज इक्वल टू हाफ द डायमीटर ऑफ द ड्रिल यूज्ड, तो हमारे ऑप्शन है फीट, कट, मशीनिंग समय, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर है वो क्या हो सकता है, कट हो सकता है, मतलब कट क्या होता है, जब हम लोग किसी भी चीज में जैसे मान लीजिए कोई ड्रिल किया, ये ड्रिल है, ड्रिल करेंगे तो सबसे पहले तो इसमें हम एक निशान लगाएंगे ना, कट करेंगे कि हाँ हमको इतने से इतना ड्रिल करना है या कटिंग करना, कुछ भी करना है तो हम सबसे पहले जो लगाते हैं वो कट लगाते हैं ना, तो इसीलिए इसमें इसका सही आंसर कट होगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कट की गहराई के लिए सूत्र मतलब फॉर्मूला, ड्रिल का व्यास डी है, फॉर्मूला फॉर कट डेप्थ द डायमीटर ऑफ द ड्रिल इज डी इज इक्वल टू डी, तो क्या होगा, तो हमारे ऑप्शन है मतलब जो डी है वो क्या होगा, डी बाय फोर, डी अपॉन फोर होगा, डी अपॉन टू होगा, डी होगा, डी टू होगा, मतलब एक मान लीजिए ये कोई जॉब है ठीक है, ये डायमीटर है तो ये सेंटर हो गया, तो एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा उसका हाफ लिया जाता है ना, हाफ ही तो लेंगे, तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो डी बाई टू हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ अगर आप चाहते हैं कि लाइव क्लासेस में आऊं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ कुछ लाइव क्लासेस होने वाली हैं बहुत सितंबर से, अगर आप चाहते हो, अगर आप मतलब चाहते हो देखना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमने अभी आपको आगे उसका शेड्यूल दिखा दिया कि कितने से कौन कौन सी क्लास होगी। तो अगर आज को आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है कर दीजिएगा, अगर नहीं किया तो
तब भी कर दीजिए, थैंक यू। और हाँ, बाजू में एक बेल आइकन है, आप ये की है बजा दीजिए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे और आप अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहें और हम ऐसे लाते रहें। तब तक के लिए।